हेलो एवरीवन। तो एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सीएनडी एग्जामिनेशन 2022 का फॉर्म आ गया है। आप लोग आज 20 अगस्त से लेकर के 5 सितंबर तक फॉर्म फिलिंग कर सकते हो रात के 11 बजे तक। और इसके अंदर कुछ मेजर डिटेल्स डिस्कस कर लेते हैं। हड़बड़ी में फॉर्म आप लोगों को नहीं भरना है, लेकिन आखिरी डेट तक का भी इंतजार मत करिएगा, क्योंकि उस वक्त सर्वर का थोड़ा सा इशू हो जाता है, इसलिए फॉर्म भरने में आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है, इसलिए बीच के टाइम में भर लीजिएगा। और अभी तक अगर आप लोगों ने मॉक टेस्ट नहीं लिया है तो बहुत अपकम टाइम बचा है, तो मॉक टेस्ट फटाफट ले लीजिए। एग्जाम क्लस्टर के मॉक टेस्ट आपको हमारे ऐप के ऊपर मिलेंगे। ऐप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। एग्जाम क्लस्टर आप जाके प्ले स्टोर में सर्च करेंगे, वहां भी मिल जाएगा। 10 मॉक्स आपको मिलेंगे, एक एक करके अपलोड किए जा रहे हैं, ताकि लेटेस्ट करंट अफेयर्स और अच्छे पैटर्न वाले क्वेश्चन चुन चुन कर डाले जा सकें। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स है। 5 तारीख आपका आखिरी डेट है फॉर्म फिलिंग का। पेमेंट के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, चालान वगैरह के हिसाब से आपको और भी ज्यादा टाइम मिलेगा। नवंबर 2022 में एग्जाम होना है। एग्जाम का एग्जैक्ट डेट अभी नहीं बताया गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। वैकेंसीज भी अभी कितनी है वो नहीं आया है। कुछ टाइम के बाद वैकेंसीज जैसे ही अपडेट होगा तो चैनल पे आपको बता दिया जाएगा। रिजर्वेशन वगैरह के रिगार्डिंग ये यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, ये हमारे लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि एज की कट ऑफ क्या रखी गई है। तो देखो, स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए 18 से 30 साल आपको पता होगा, यानी कि अगर आप 1/1/2004 से इस डेट पे या फिर इससे पहले पैदा लिए हो, ऑफिशियल आपकी डेट ऑफ बर्थ इसके पहले की है, तो आप ग्रेड सी के लिए एलिजिबल हो। और 2/1/1992 इसके बाद, इस डेट या इसके बाद अगर आपने जन्म लिया है तो आप एलिजिबल रहोगे। उसी तरह ग्रेड डी का थोड़ा अलग कट ऑफ होता है। इसमें अगर आप 2/1/1995 के इस डेट या इसके बाद के अगर जन्मे हुए हो, या फिर 1/1/2004 इस डेट या इससे पहले के जन्मे हुए हो, तो आप ग्रेड डी के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो इस तरह से दो आपकी एज की क्वालिफिकेशन है। बाकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ 12th पास या फिर उसकी इक्वेलेंट मांगी जा रही है। इसमें स्टेनोग्राफी का कोई भी सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। तो जो लोग भी सर्टिफिकेट नहीं भी रखते हैं वो भी अलाउड हैं यहाँ पर बैठने के लिए। उनको कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट वगैरह की जरूरत नहीं है। बाकी यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा कोई चीज़ जरूरत नहीं है, बस आपको अपना फोटो और सिग्नेचर को स्कैन करके इसमें डालना होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। बेसिक बेसिक मैंने आपको डिस्कस कर दिया। बाकी कुछ और इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखता है तो आगे फ्यूचर में वीडियो बना दिया जाएगा। और अगर आपको कोई डाउट वगैरह आ रहा है तो इस वीडियो को कमेंट में पूछ सकते हैं। फॉर्म हड़बड़ा के मत भरिएगा, ध्यान रखिएगा। और हाँ, कोशिश करिएगा कि यूपीआई से पेमेंट ना करने का। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है भीम यूपीआई, सामने में आ गया इससे मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यूपीआई से थोड़ा सा पेमेंट लटकता है, 2-3 दिन लेट हो जाता है, डिले हो जाता है कंफर्मेशन आने में। कंफर्म तो हो ही जाता है बट थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इसलिए कोशिश करिएगा कि नेट बैंकिंग या फिर मास्टर कार्ड ये सब चीज़ से पेमेंट करने का, तो ज़्यादा बेटर होगा। तो चलिए बस यहीं तक था ये वीडियो। अगर आपने मॉक टेस्ट अभी तक नहीं लिया है तो जाकर के हमारा या किसी का भी मॉक टेस्ट अब ले लीजिए, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा कम टाइम बचा हुआ है, तो मॉक टेस्ट जरूर ले लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है ऋषिकेश। जय हिंद।